वेलकम टू सोशल 83 मूवीज़ वन मूवी जिसका क्रिकेट फैंस और सिनेमा फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं. फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिलेज इट हैज़ रिलीज्ड और मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड था. माई नेम इज़ वी एंड इन दिस वीडियो आई विल बी रिव्यूइंग 83. ऑल्सो एक स्मॉल अनाउंसमेंट उन ऑडियंस के लिए जो मेरे रिव्यूज़ रेगुलरली देखते हैं. आई हैव टू टेल यू कि मेरी फैमिली में माई नाना जी पास्ड अवे यस्टरडे. सो फॉर दिस रिव्यू आई वॉज इन द मूड टू कैप्चर एनी BTS थिएटर वीडियोज़ या ऑडियंस इंटरेक्शन वीडियोज़. मैं ये रिव्यू कैसे कर रहा हूँ वही मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है. सो मूविंग अहेड लेट मी गेट माई एनर्जी अप. लेट मी टेल यू कि मुझे ये मूवी कैसी लगी. सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की. To win the World Cup. What does we here for? Strong point number one, Ranveer Singh ki performance. Unki performance as Kapil Dev bilkul top notch hai. He literally has done a perfect job in getting Kapil Dev's body language and the way he speaks accurate. Oh, Kapil, aise samjha de, main sar pe maar de nahi ball. Rehne do, maddi par nahi aati usse defense. Now, the strong point number two for me was recreation of moments. फिल्म में ऐसे आपको बहुत सीन्स देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली में एग्जैक्टली उसी तरह रियलिटी में हुए थे. उन सीन्स को रियलिस्टिक टच देने के लिए ओरिजिनल 1983 वर्ल्ड कप के विजुअल्स दिखाए जाते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज अ ग्रेट वे टू रिमेंबर 83 वर्ल्ड कप. स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, फिल्म का ह्यूमर. ये फिल्म क्रिकेट मैचेस की वजह से ऑलरेडी एंटरटेनिंग है, बट एट द सेम टाइम इसका ह्यूमर काफ़ी अच्छा है. इस फिल्म में जिस तरह से कॉमिक मोमेंट्स या ह्यूमरस मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, इट मेक्स यू फील कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह हैं और क्रिकेट के अलावा इनकी ज़िंदगी बाकी लोगों से बहुत सिमिलर है. सो इसलिए इस फिल्म का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा. ओए बल्लू, इसे बोल कल तुझे देख लूँगा. बाल सुनो ए, क्या बोला था? कल तुझे देख लूँगा. सी यू टुमारो. नंबर 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सपोर्टिंग कास्ट. आई जस्ट लव द वे जिस तरह से फिल्म में कास्टिंग की गई है. आई थॉट कि फिल्म में शायद सभी कैरेक्टर्स को तो उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाया जा सकता, बट इट प्रूव्ड मी रॉन्ग. फिल्म में कपिल के अलावा ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाता है एंड यू विल रिमेंबर देम इवन आफ्टर वॉचिंग द फिल्म. लेट मी मैंशन माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज. सबसे पहले जीवा इन द रोल ऑफ श्रीकांत टॉप्स द लिस्ट. ही इज जस्ट ब्रिलियंट. उसके अलावा जतिन सरना इन द रोल ऑफ यशपाल शर्मा, बहुत ही अमेजिंग. एंड इवन द कैरेक्टर ऑफ सुनील गावस्कर जिसको ताहिर राज भसीन ने प्ले किया है, उनके पास बस एक ही एक ऐसा मेन सीन है, पर उस सीन में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, इट रियली मेक्स यू कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर. दैट इज़ वाई आई फील कि फिल्म की कास्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट है और सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर को जस्टिस किया है. इसके अलावा फिल्म में एक और एक्टर है जिसके बारे में बात करना हमेशा ज़रूरी होता है, वो है पंकज त्रिपाठी. टू बी ऑनेस्ट, फिल्म के पहले हाफ एन आवर में तो मैं उनकी परफॉर्मेंस से कनेक्ट ही नहीं कर पाया, बट बाद में जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आई कैन से दैट ही हैज़ डन ऑल्सो एन ओके जॉब. आई ऑनेस्टली फील कि उनके पास कुछ ज़्यादा एक्टिंग करने वाले सीन्स नहीं थे, क्योंकि उनको PR मान सिंह को थोड़ा मिमिक करना था और उसके अलावा टीम के इनसाइड्स, देन थोड़ा सा ह्यूमर पुश करना है. तो आई थिंक ही हैज़ डन अ फाइन जॉब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल्म में क्या बेटर हो सकता था. म्यूजिक पिक्चराइजेशन एंड फिल्म एग्जीक्यूशन. फिल्म का म्यूजिक मेरे ओपिनियन में उतना आइकॉनिक नहीं है जितना इसकी स्टोरी है. द वे म्यूजिक इज शोन इन द फिल्म डजंट रियली गो विद द नैरेटिव. मुझे तो ऐसे लग रहा था कि काफ़ी मैचेस में आपने जानबूझ के वो गाने डाल दिए हैं कि ऑडियंस को थोड़ा सा गूज़बम्स आए, बट आई थिंक अगर उन मैचेस में वो म्यूजिक नहीं डाला जाता तो वो मैचेस और भी ज़्यादा अमेजिंग लगते. इसके अलावा एक फिल्म मेकिंग स्टैंड पॉइंट से बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की एग्जीक्यूशन थोड़ी आउटडेटेड है. इस फिल्म में आपको सिर्फ ज़्यादातर मैचेस देखने को मिलते हैं और जब मैचेस नहीं होते हैं तो ह्यूमरस सिचुएशंस. ऐसे लगता है कि ये फिल्म 2021 की नहीं है बल्कि 2005-10 की हिंदी फिल्म जैसी हुआ करती थी, उस तरह की ये फिल्म है. इस तरह का स्टोरी स्ट्रक्चर हम अब फॉलो नहीं करते हैं. नाउ अनदर थिंग विच आई फील कुड हैव बीन बेटर वॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. एज अ सिनेफाइल, जब आप कुछ ऐसी मूवीज देखते हो जैसे दंगल, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और इवन अ पीरियोडिक मास्टरपीस लगान, आप इन फिल्म्स में सभी कैरेक्टर्स के पर्सनल बैटल्स को देखते हो और इसीलिए फिल्म्स आज भी आइकॉनिक मानी जाती हैं. 83 में आई फील इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया है. जब फिल्म में क्रिकेटर्स का एक फॉलिंग डाउन फेज आता है, वी डोंट सी कि ये क्रिकेटर्स अपने आप को बेटर करने के लिए क्या करते हैं. इसके अलावा वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ लक पे डिपेंड नहीं होता है. आप एक आधा मैच तो लक के साथ जीत सकते हो, पर एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है एक टीम के लिए. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में टीम की प्लानिंग प्रोसेस को भी थोड़ा बहुत दिखाया जा सकता था, विच वॉज टोटली मिसिंग इन द होल फिल्म. इवन फाइनल मैच में भी उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं दिखाई है. बहुत लोग शायद मेरे क्रिटिज्म से अग्री नहीं करेंगे, पर ऑनेस्टली कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्पोर्ट्स फिल्म का. इन दिस फिल्म वी डू सी सम कॉन्फ्लिक्ट्स हियर एंड देयर,
बट आई डोंट थिंक कि वो इतने अच्छी तरह से आपको दिखाया जाता है। इन द होल फिल्म इट इज़ ट्राइंग टू बी सेड कि ये टीम एक अंडरडॉग है, बट वी डोंट गेट टू सी कि ये अंडरडॉग से चैम्पियंस किस थॉट प्रोसेस की वजह से बने। इफ़ यू कैन जस्ट से 2-3 डायलॉग्स और यू नो यू कैन जस्ट मोटिवेट, यू डोंट बिकम विनर्स। दैट इज़ वाई आई फील कि फिल्म देखने के बाद भी आई स्टिल डोंट गेट टू नो कि वाई कपिल देव वॉज अ यूनिक कैप्टन और उन्होंने कैसे वर्ल्ड कप जीता। एटलीस्ट उनके माइंडसेट को तो फिल्म में एक्सप्लोर किया जा सकता था क्योंकि ही इज़ द मेन कैरेक्टर। नाउ कमिंग टू आवर रेटिंग, मासी ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मासी रेटिंग फॉर 83 इज 4 स्टार्स। Definitely a great watch. It tells you the story you have known always, but you have never seen it. So in the most safest and simpler manner, this is a good Masi film. Now Cinephile rating for 83 is 3 stars. Cinephile level पे मैं चाहता था कि ये film थोड़ी और better हो क्योंकि इसको कबीर खान ने direct किया है. But overall I did have some great cinematic moments to enjoy this film. So that is why Cinephile should not also miss this one. Alright, ये तो था मेरा review 83 movie के बारे में. आई हैव अ फीलिंग कि ज़्यादातर लोगों को ये मूवी इमोशनली शायद मूव करेगी, इसीलिए वो इसको ज़्यादा डीपली सिनेमा वाइज एनालाइज ही नहीं करेंगे, विच इज़ ओके। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हेयर इज माय रिव्यू वाज मोर बेस्ड ऑन द सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स, नॉट ऑन इमोशनल एस्पेक्ट्स। बट एनीवे, यू टेल मी आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।